गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, जो हमारा शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हम अपने बॉडी को अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये हेड, दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, लेग, थाई, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट से, इवन हमारे स्टमक के अंदर भी अलग अलग पार्ट से और अलग अलग ऑर्गन से, और इन सभी ऑर्गन का अलग अलग कार्य है, अलग अलग महत्व है। तो उसी तरह से हमारे सेंटेंस में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हम वाक्य बोलते हैं उसके भी अलग अलग भाग हैं। तो हम आज उन्हीं अलग अलग भागों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसे देखिए। तो पहले वाले एग्जांपल में देखिए, पहला लिखा हुआ फर्स्ट एग्जांपल में है, अकबर वाज द ग्रेट किंग। अब हम इस एग्जांपल, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को मैं बताती हूँ कितने भागों में बांटा गया है। तो अकबर हो गया नाउन। अकबर को हम क्या, अकबर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया। ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये हमारा किंग, ये नाउन है, किंग ये नाउन है। तो देखिए, एक सिंगल सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, प्री आर्टिकल है, इत्यादि, ठीक है। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ देखेंगे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, वो है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द फील्ड। राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, राम, राम हो गया नाउन। एम एस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नाउन, एन फॉर नाउन, ओके। अब एंड देखिए, एंड राम और श्याम को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो एंड हो गया हमारा कंजंक्शन, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। मैं इसे यहीं तक छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, श्याम, श्याम फिर नाउन है, श्याम फिर से नाउन, दैट मीन्स राम और श्याम को कंजंक्शन जो है वो जोड़ रहा है। अब यहाँ प्लेइंग देखिए, प्लेइंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। इन द फील्ड, अब इसमें इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इन है प्रीपोजिशन, ओके। और द फील्ड, द फील्ड अगेन ये क्या है, ये नाउन है। तो देखिए, एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में यहाँ नाउन भी है, कंजंक्शन भी है, वर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, नाउन भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस के अलग अलग भाग हैं। तो आज हम, मैं आपको इन्हीं अलग अलग भागों के बारे में बताऊंगी, और ये अलग अलग भागों को ही एक साथ क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन अलग अलग भागों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले नंबर 1 इज नाउन, सबसे पहला है नाउन, ओके। उसके बाद है प्रोनाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन, नंबर 3 है एडजेक्टिव, ठीक है, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 है वर्ब, ओके, नंबर 5 है एडवर्ब, नंबर 6 है प्रीपोजिशन, नंबर 7 है कंजंक्शन, और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इत्यादि के बारे में डिटेल में